ही स्वादिष्ट चिकन है ये, ड्राई मतलब फ्राइड चिकन है, इसमें बिल्कुल भी ग्रेवी नहीं है। और हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आसी ब्लॉग्स। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ और मेरे चैनल का सब्सक्राइबर्स बहुत ही कम है, तो मुझे पता है आप लोग कर चुके हैं और जो नहीं किए हैं प्लीज़ कर लीजिए और शेयर कीजिए ताकि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ें। और आज मैं जा रही हूँ चिकन फ्राई बनाने, मतलब कि उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होगा, वो ड्राई होगा। मेरे हस्बैंड का मन था कि आज वो बिल्कुल ड्राई खाएं, उसमें ग्रेवी नहीं चाहिए, तो मैं बोली कि चलो आज चिकन फ्राई बनाऊंगी, तो आपसे भी शेयर करती हूँ कैसे बनाऊंगी। अभी चलिए मेरे साथ बनाने चिकन फ्राई। सबसे पहले मैं जा रही हूँ प्याज काटने, मुझे आधा केजी चिकन बनाना है तो मैं उसमें लगभग 250 ग्राम प्याज डालूंगी। चलिए मेरे साथ, मैं ये प्याज काटने जा रही हूँ। लगभग 250 प्याज है और मैं हमेशा कोई भी सब्जी हो या कुछ भी हो तो मैं धोकर ही काटती हूँ। धोकर ही काटना चाहिए क्योंकि इसके जो भी विटामिन होते हैं वो निकल जाते हैं। तो ये टमाटो है, ये मैं पहले ही धो चुकी हूँ। मैं एक टमाटर डालूंगी और 250 प्याज, ये धो चुकी हूँ। इसे बारीक काटेंगे, तो प्याज रखूंगी और एक टमाटर। मैं तो खाना बनाने के लिए मेहनत कर रही हूँ, तुम भी थोड़ा पढ़ने के लिए मेहनत कर लोगे ना? तुम भी अगर मेहनत करके पढ़ोगे तो अच्छा कर पाओगे, ठीक है? 10 केजी चिकन है, मैं जा रही हूँ इसे धोने। मेरी फैमिली तो फुल नॉन वेजिटेरियन है। क्या आशी? आशी भी नॉन वेजिटेरियन है ना? अरे मम्मी, बिना और इसमें मैं क्या करूंगी, मिर्ची डालूंगी। तो साबुन से हाथ धो लूं अच्छे से। सबसे पहले मैं इसमें डाल दूंगी तेल, ये देखिए हल्का सा तेल डालूंगी, ज्यादा नहीं क्योंकि अभी कढ़ाई में भी डालना है बनाते समय। और इसमें डालूंगी एक चम्मच हल्दी, इसके बाद डालूंगी ये एक चम्मच धनिया, इसके बाद मैं डालूंगी इसमें, क्योंकि मिर्च में डाल चुकी हूँ हरा वाला तो तीखा है, उसमें हल्का सा डालेंगे आधा चम्मच लगभग। यस, हमारी ज्यादा तीखा मत बना दिया, ठीक है? मुझे बहुत ही लगे और ये है कश्मीरी मिर्च जो अक्सर मैं डालती हूँ कलर के लिए। आसी, हटूं की नहीं तू? और अब जो ऑनियंस मैं रखी थी काट के यहाँ पे डालूंगी इसमें, थोड़ा सा ऑनियन बचा लेंगे क्योंकि मुझे फौरन में भी डालना है, थोड़ा सा मैं बचाऊंगी। और ये रहा टमाटर, ये भी अभी डालूंगी मैं। और इसमें डालूंगी स्वाद अनुसार नमक, और अच्छा एक चीज है, जब भी हम लोग नमक डालते हैं ना तो थोड़ा सा दोबारा डालते हैं, पता नहीं इससे क्या होता है, वो तो तय मन में सब कुछ क्योंकि आप पढ़ रहे हैं। और हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच दही। यस, बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा मैं अब जा रही हूँ, इसको मैं मिलाकर रख देती हूँ 10 मिनट के लगभग, ये मैरिनेट हो जाएगा। और मैं जा रही हूँ गरम मसाला का तैयारी करने, अच्छे से मिलाकर रखें ताकि ये अच्छे से मैरिनेट हो जाए 10 से 15 मिनट। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में, बस इसे ऐसे मिलाकर रख दें, बन ही गया है। इसे मैरिनेट होने देती हूँ, इसको ढक देती हूँ मैं। अब मैं जा रही हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट बनाने, साथ में मैं गरम मसाला यूज करूंगी। मम्मी, मुझे भी बनाएगी।
दाल में सिलोट पे पीसूंगी क्योंकि थोड़ा सा ना ग्राइंडर में नहीं पीसा पाता मेरा, क्योंकि एक बड़ा वाला है उसमें नहीं आ पाएगा। मैं जा रही हूँ अभी सिलोट प्रोसेस से पीस कर लाने। जिंजर जिंजर ना जिंजर का पीस, उसके बाद जीरा पाउडर, जीरा मरीच, मसाला का पैकेट है, पैकेट मिल चुका है मुझे। तो अब मैं जा रही हूँ, मम्मी पूरी भी बना चाहिए मुझे। मम्मी मुझे पूरी नहीं बनाई, मम्मी पूरी नहीं। नहीं बेटा रोटी बना चुकी हूँ ना, खाना वेस्ट थोड़ी करेगा। मम्मी चिकन के साथ तो अच्छा लगेगा, मेरा सिंग थोड़ी आ रहा है। ये दालचीनी है इसमें, ये इलायची, ये लौंग, इसमें भी काली मिर्च है, दालचीनी ले लेती हूँ। सबसे ज़्यादा मात्रा में दालचीनी दिया है, लौंग इलायची तो बहुत ही कम मात्रा में दिया है। दालचीनी क्योंकि ज़्यादा है तो इसे मैं थोड़ा सा निकाल रख देती हूँ, फिर कभी काम आ जाएगा, इसे इसी में रख देते हैं। खड़ा है ना, मिक्स थोड़ी होगा। और ये पानी ले रही हूँ, शुद्ध पानी मसाला पीसने के लिए। ये आरओ का पानी, आरओ। यस, हटू ना जीतू। चलो ये गरम मसाले मैं पीस कर ले आई हूँ। ये हरी मिर्च, 5 हरी मिर्च मैं काट के रखी हूँ, थोड़ा सा तीखा चाहिए इसलिए। और ये तेजपत्ता है, और ये प्याज है, मिला चुकी हूँ। बस ज़्यादा तेल है, तेल गरम हो गया है, इसे ना थोड़ा सा ऐसे फैला लेंगे ताकि जब हम चिकन डालें तो वो कढ़ाई में ना चिपके। देखें हल्का सा जीरा, डालेंगे तेज पत्ता, देंगे हरी मिर्च, दूर हो जाए हरी मिर्च डालकर। इसके बाद इसमें डालेंगे ऑनियन, इसे लाल होने तक हल्का सा लाल होने तक फ्राई करेंगे। ये देखिए ऑनियन बिल्कुल फ्राइड हो चुका है, और अब मैं इसमें डालूंगी ये चिकन जो कि लगभग 15 मिनट से मैरिनेट हो चुका है, हो रहा था 15 मिनट से मैरिनेट हो रहा था, मैं इसमें डालूंगी और इसे अच्छे से चला दूँगी। ये देखिए चिकन फ्राई हो चुका है, इसमें मैं डालूंगी ये गरम मसाला, इसे अच्छे से मिलाऊंगी। वैसे चिकन तो पक चुका है, बस इसे 2 से 3 मिनट पकाऊंगी मैं और थोड़ा सा, क्योंकि गरम मसाला अच्छे से मिला नहीं है, इसलिए इसे मिलाकर 2-3 मिनट पकाएंगे तो इसका जो टेस्ट है बहुत ही अच्छा आएगा। ये देखें मैं मिला चुकी हूँ, बस ज़्यादा नहीं 2-3 मिनट के लिए इसे पकाएंगे। देखिए चिकन बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है देखने में, और वाकई में स्वादिष्ट है भी, और इसकी जो खुशबू है गरम मसाले की वजह से वाकई में बहुत ही अच्छी है। और लास्ट में मैं क्या करूँगी कि एक चम्मच घी, ये प्योर देसी घी है, हम लोग घर पे बनाए हैं, तो इसे मैं डालूँगी चिकन में। आप कोई भी चिकन बनाएं उसमें घी डाल दें, एक चम्मच नहीं भी तो आधा चम्मच, और उसके बाद देखें चिकन का क्या टेस्ट चेंज होता है, वाकई में एक गजब का टेस्ट आ जाएगा। और ये मेरा चिकन अब रेडी हो चुका है, देखिए अब मैं इसे ऑफ कर दूंगी। काश मैं आप लोग के साथ शेयर कर पाती, लेकिन मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो आप लोग जरूर इसे घर पे बनाकर खाएं, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। ये मेरी मदर इन लॉ है, हाय बोले मम्मी जी। हाय। ये टेस्ट करके बताएंगी कि मैं चिकन कैसा बनाई हूँ।
कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा ना। तो बोलिए कि ये रेसिपी मैं बहुत अच्छा अच्छा बना रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत अच्छा बना है, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। यस, इसी के साथ आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं अगले ब्लॉग में एक नई कहानी या रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मेरी मम्मी जी का बात मानना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।